और चलिए रुक करेंगे इस बीच आ रही एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको सबसे पहले बता दें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा कायम है। जी हाँ, 45 मेडल के साथ पहले स्थान पर हरियाणा बना हुआ है और 16 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते गए हैं। ये बड़ी खबर कुश्ती में छाए हरियाणा के पहलवान, बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो तीसरे दिन कुश्ती के 5 में से 4 गोल्ड जीते हैं, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। अंक तालिका में हरियाणा नंबर 1 पर अभी बना हुआ है। तो खेलो इंडिया यूथ गेम सीजन 4 में हरियाणा जो है वो शीर्ष पर बना हुआ है। फुटबॉल में पूल ए और पूल बी के मुकाबले होंगे, आज होने वाले मुकाबले आपको हम बता रहे हैं। फुटबॉल में हरियाणा वर्सेस वेस्ट बंगाल की टीमें आमने सामने होंगी। फुटबॉल में केरला वर्सेस पंजाब और गोवा वर्सेस मिजोरम। वेट लिफ्टिंग में लड़कों के 73 और 81 किलोग्राम भार वर्ग, लड़कियों के 64 और 71 किलोग्राम भार वर्ग, झारखंड वर्सेस पंजाब, ओडिशा वर्सेस दिल्ली एथलीट। उमंग संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं इस बीच जानकारी के साथ। उमंग चौहान, फिलहाल आज होने वाले मुकाबलों के बारे में भी आप हमें बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं, क्योंकि अंक तालिका में हरियाणा नंबर 1 पर पहुंच गया है, जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी बात है हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि बहुत बड़ी बात है, आपको बता दें कि हरियाणा मेजबान है, तो ऐसे में हरियाणा का 1 नंबर पर पहुंचना भी और ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि आज हरियाणा जब 16 गोल्ड के साथ और कुल 45 मेडल के साथ नंबर 1 पे है, तो हरियाणा वासियों में खुशी का माहौल है। जी वही महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर आ गया है, आपको बता दें लगातार 2 बार चैंपियन रहा है महाराष्ट्र, लेकिन कल तक जहां पहले महाराष्ट्र पहले नंबर पर था, हरियाणा दूसरे पे, हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस तरह सोना बरसाया कि हरियाणा पहले नंबर पर आ गया। अगर आपकी आज की बात करें तो आज कबड्डी का फाइनल है लड़कियों की टीम और लड़कों की टीम का भी, वॉलीबॉल का भी फाइनल है लड़कियों की टीम का लड़कों की टीम का, इसके अलावा कई और खेल हैं जिसमें हरियाणा को मेडल आने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उमंग चौहान इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल आपको बताते हैं यहाँ पर कि खिलाड़ियों में जोश जो है वो भरपूर यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं वो भी पूरी तरीके से दमखम यहाँ पर लगाए हुए हैं और यही वजह है कि 45 मेडल्स के साथ पहले स्थान पर हरियाणा जो है वो बना हुआ है। इससे पहले गुजरात बना हुआ था, लेकिन गुजरात तक टीमों को पछाड़ते हुए अब हरियाणा जो है वो अंक तालिका में सबसे शीर्ष पर बना हुआ है। कुश्ती में हरियाणा के पहलवान छाए हुए हैं। तो फिलहाल आपको ये जानकारी यहाँ पर दे दी, आज भी कई मुकाबले होने हैं। तो तीसरे दिन कुश्ती के 5 में से 4 गोल्ड जो हैं वो हरियाणा जीते हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा के योगा खिलाड़ी हैं उन्होंने इतिहास रचा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा का दबदबा जो है वो कायम है। 45 अंक मेडल्स के साथ अंक तालिका में नंबर 1 पर हरियाणा जो है वो बना हुआ है। अलग अलग खेलों में आपको बता दें हरियाणा के खिलाड़ी जो है वो काफी ज्यादा बेहतर भी कर रहे हैं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आगाज के साथ ही अब आपको बता दें तीसरे दिन आज कई जो प्रतियोगिताएं हैं वो आज होने जा रही हैं। तो तीसरे दिन बहुत कुछ शेष जो खास है वो यहां पर रहने वाला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। और फिलहाल ये इस चौथे सीजन में आपको बता दें कई राज्यों की जो खिलाड़ियों की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है, अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में भाग यहाँ पर ले रही है। पारंपरिक खेलों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है और इसमें बहुत हद तक हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं उनकी महारत देखने को यहाँ पर मिल रही है। 45 मेडल्स के साथ हरियाणा फिलहाल नंबर 1 पर बना हुआ है अंक तालिका में, ये बड़ी जानकारी। तीसरे दिन कुश्ती के 5 में से 4 गोल्ड जीते हैं, तो बड़ी जानकारी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। हरियाणा के योगा खिलाड़ियों ने भी इतिहास रचा है। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि पारंपरिक खेलों में भी काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर हरियाणा करता हुआ दिख रहा है। वॉलीबॉल के लड़कों और लड़कियों के फाइनल मुकाबले, आज होने वाले मुकाबले हम आपको बता रहे हैं। फुटबॉल में पूल ए और पूल बी के मुकाबले आज होंगे। फुटबॉल में हरियाणा वर्सेस वेस्ट बंगाल की टीमें आमने सामने होंगी, केरला वर्सेस पंजाब और गोवा वर्सेस मिजोरम की टीमें आमने सामने। वेट लिफ्टिंग में लड़कों के 73 और 81 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले होने हैं। वेट लिफ्टिंग में लड़कियों के 64 और 71 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले होने हैं। झारखंड वर्सेस पंजाब, ओडिशा वर्सेस दिल्ली, हॉकी टीमें आमने सामने होंगी। एथलेटिक्स रेसलिंग के भी मुकाबले आज होने हैं। कबड्डी में भी लड़कों और लड़कियों के सेमीफाइनल के मैच होने हैं। तो वॉलीबॉल के लड़कों और लड़कियों के फाइनल मुकाबले होने हैं। ये बड़ी जानकारी आपको यहाँ पर दे रहे हैं पॉइंट्स के जरिए कि आज कौन कौन से मुकाबले जो हैं वो आज
होने जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स सीजन 4 में तो फिलहाल हरियाणा जो है वो पहले नंबर पर बना हुआ है अंक तालिका के हिसाब से, और आज भी कई जो मुकाबले हैं वो होने जा रहे हैं। तो एथलेटिक्स और रेसलिंग के भी मुकाबले जो हैं वो आज होंगे। कबड्डी में लड़कों और लड़कियों के सेमीफाइनल मैच जो हैं वो भी आज खेले जाएंगे। वॉलीबॉल के लड़कों और लड़कियों के फाइनल मुकाबले होने हैं। फुटबॉल में पूल ए पूल बी के मुकाबले जो हैं वो होंगे। फुटबॉल में हरियाणा वर्सेस वेस्ट बंगाल की टीम जो है वो आमने सामने होंगी। केरला वर्सेस पंजाब और गोवा वर्सेस मिजोरम की टीमें आमने सामने होंगी। वेट लिफ्टिंग में लड़कों के 73 और 81 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले होने हैं। लड़कियों के 64 और 71 ग्राम किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में आमने सामने होंगे। तो एथलेटिक्स रेसलिंग के भी मुकाबले जो हैं वो होने हैं। तो बेहद रोचक आज का दिन जो है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दिन जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। तो आज होने वाले मुकाबलों के लिस्ट भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन एक खास बात ये कि हरियाणा के खिलाड़ियों का दबदबा जो है वो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लगातार बरकरार बना हुआ है।